बड़नगर शहर में होली, शबे बारात, रंग पंचमी और आगामी त्योहारों को लेकर बड़नगर नगर पालिका परिषद भवन में शांति समिति की बैठक ली गई है, जिसमें बड़नगर शहर के SDOP रविंद्र पोएट, TI मनीष मिश्र, नगर पालिका अध्यक्ष अभय डोंगिया, नगर पालिका CMO कमला काल और कई पार्षदगण उपस्थित रहे। इस मौके पर बड़नगर शहर के कई वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे और नगर के कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे हैं। वहीं TI मनीष मिश्र ने जानकारी दी है और बताया है कि बड़नगर शहर वासियों एवं ग्रामीण वासियों से निवेदन करता हूं कि होली, शबे बारात और आगामी सभी त्योहारों को भाईचारे से त्योहार मनाएं और बच्चों के एग्जाम को लेकर साउंड ना बजाने को लेकर विशेष ध्यान दें। त्योहार के वक्त पर तीन तीन व्यक्ति 2-व्हीलर पर ना बैठे और होली के त्योहार पर कपड़े फाड़ने को लेकर कोई विवाद ना करे। वही बड़नगर SDOP रविंद्र बोयट ने शांति समिति बैठक में जानकारी दी है और बताया है कि त्योहारों पर कोई भी व्यक्ति गुंडागर्दी ना करे और आपस में भाईचारे से प्रेम को शांति से त्योहार का आनंद ले और किसी भी धार्मिक स्थल पर शराब बैठकर ना पिए। अगर इस तरह की हमें कोई भी सूचना मिलेगी तो हम तुरंत ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई करेंगे। बड़नगर से संवाददाता ग्लोबल इंडिया TV के लिए राधे श्याम सावरा की रिपोर्ट। जो मीटिंग लिखी गई उसके लिए क्या हो? होली का दहन करेंगे और आने वाले अपने त्योहारों के लिए शांति समिति की मीटिंग लेंगे और सभी को उनके सुझाव तो बोलिए आवश्यक निर्देश प्रशासन स्तर पर सभी को निर्देश दिए गए और सभी को समझाएंगे आपकी सत्ता और शांति के कोई है जो सभ्य बरात और होली को लेकर इसमें क्या प्रस्ताव रखा गया है, इसमें मतलब क्या मुख्य बात रखी गई? बात ये रही कि सभी प्रबुद्ध नागरिकों ने और प्रशासन ने ये तय किया कि सभी संप्रदाय हिंदू मुसलमान सब मिलके होली और सबरात मिलकर मनाए और खुशी से मनाए, किसी तरह का विवाद वगैरह न हो। इसलिए सभी से मेरी भी गुजारिश है मुसलमानों से हिंदू भाइयों से सभी से कि होली अच्छी तरह से मनाए, शबे रात अच्छी, शबे बारात अच्छी तरह से मनाए और सबको खुशी का पैगाम दे, शांति का पैगाम दे। आपका शुभ नाम? आजी नासिरुद्दीन।